देखिए, अब उसमें बहुत सारा अतिक्रमण तो हटवाए भी है। आजादी के बाद एगो ईटा भी नहीं लगा था। हम लोग अतिक्रमण हटाने जाएंगे तो बस वो 100 आदमी भी हो गए खड़ा हो जाएगा। अब रही वो, हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो अपना प्रशासन को चाहिए, उसको रखना चाहिए। हम लोग पब्लिक में चलते दिक्कत भी है कि रही 100 या 500 आपका वोट के लिए खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि आपका, तो उसको कब हटाने की योजना? देखिए, अब उसमें बहुत सारा अतिक्रमण तो हटवाए भी है, बहुत सारा हटा है, बहुत सारा काम करवाया। कभी उपनाथ में तो आज़ादी के बाद एगो ईटा भी नहीं लगा था। मेरी समय अभी 6 करोड़ का काम हुआ, इतना घाट बना, इतना सौंदर्यीकरण हुआ, सब कुछ काफ़ी अच्छा लगने लगा। वहाँ गेट बना, रोड बना, नाला बना, उस रास्ते का सब कुछ बना। और भी है कि उसमें शादी का हॉल और गेस्ट रूम वगैरह और बने, इसके लिए भी प्रयासरत हैं। तो और अतिक्रमण का है तो जानबे ही करते हैं, अतिक्रमण वगैरह। हम लोग अतिक्रमण हटाने जाएंगे तो बस वो 100 आदमी भी हो गया खड़ा हो जाएगा। अब रही ये करके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो अपना प्रशासन को चाहिए, उसको रखना चाहिए। हम लोग पब्लिक में चलते दिक्कत भी है कि रही 100 या 500 आपका वोट के लिए खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि आपका, इसको उजाड़िएगा पूरा, सबको आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपके हराने के लिए खड़ा। देखे जाएगा समय पर, उचित समय पर काम होगा तो किया जाएगा। सीढ़ी वगैरह बनवाना था, बोले सीढ़ी वगैरह बहुत बनवा दी। अतिक्रमण सर वहाँ पे ज्यादा है, पहले साल भर पहले हटाया भी गया था। अतिक्रमण जितना हटाने के लिए बोले थे हटा दिया, अब देखेंगे चुनाव के बाद।